नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका पंडित जी। धन्यवाद। तो खास तौर पर पितरों के श्राप से बचना है तो, पितृदोष से मुक्त होना है तो, पितरों का कर्ज उतारना है तो पितृपक्ष में जरूर देखे कालचक्र स्पेशल पुण्यकारी पितृपक्ष। जी हाँ, अगर आपको लगता है कि आपके पितर आपसे नाराज हैं, आप पर पितरों का श्राप है या फिर आप पर पितरदोष का साया है, तो इस पितर पक्ष आपके रूठे पितर मान जाएंगे। अतृप्त पितर तृप्त हो जाएंगे और पितृ ऋण भी उतर जाएंगे। तीन पौधे, तीन पक्षी और तीन पशु कैसे आपको पितरों की कृपा दिलाएंगे, यही आज कालचक्र में प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी आपको विस्तार से बताएंगे। तो बने रहिए कालचक्र के साथ और देखते रहिए हमारी खास पेशकश पुण्यकारी पितृपक्ष के साथ। और इसके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 01206652411। और अपनी चर्चा की शुरुआत करने से पहले पंडित जी से आज का शुभ मुहूर्त भी जान लेते हैं। बताएं पंडित जी, 7 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार, आज आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि सुबह 8:08 तक थी। इस समय नवमी तिथि शुरू हो चुकी है। पुनर्वसु नक्षत्र रात 11:57 तक, इसके बाद पुष्य नक्षत्र शुरू होगा और शिव योग कल सुबह 6:03 तक है। इसके बाद सिद्ध योग शुरू होगा। आज नवमी तिथि का श्राद्ध है और आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं। जैसे शनिवार है तो राहु काल रहेगा सुबह 9:00 से 10:30 तक, यमगंड काल रहेगा दोपहर 1:37 से दोपहर 3:05 तक। आज इन समयों में पूर्व दिशा की यात्रा बिल्कुल ना करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो इस पितर पक्ष अपने पितरों की कृपा पाकर सुखी कर लें अपना जीवन और पाले संसार की सारी खुशियां। अपनी आज की चर्चा को भी हम शुरुआत करते हुए बात करते हैं तीन पेड़ों की। कौन से वो तीन पेड़ हैं जिनको लगाने से और जिनमें हर रोज जल चढ़ाने से पितर प्रसन्न होते हैं, आइए ये जानते हैं हम पंडित जी से। पंडित जी, मुझे लगता है कि ये एक अलग जानकारी होगी क्योंकि हर बार पितर पक्ष आता है और लोग सोचते क्या ऐसा करें, क्या अगर हम कोई तीन पौधे लगा देंगे तो आगे कुछ करने की जरूरत नहीं होगी? देखो, ऐसा है, हमारे सनातन धर्म की मान्यता है और हमारा वेदांत कहता है अणुरणियान, अणु जो है अर्थात एक किनके का 100वां हिस्सा जो है उसमें भी प्रभु का वास है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड ईश्वरमय है और यह संपूर्ण ब्रह्मांड ईश्वर के एक अंश में रहता है। वह ईश्वर कितना बड़ा है इसकी परिकल्पना की नहीं जा सकती जी। ईश्वर के एक अंश में संपूर्ण ब्रह्मांड समाहित रहता है और संपूर्ण ब्रह्मांड के कण कण में ईश्वर रहता है। अच्छा, पितरों की बात इसलिए कहते हैं कि जैसे ये जो है ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं, जो बोल रहा हूं ये मैं नहीं हूं, वो जीवात्मा है। ये मिट्टी का शरीर, जब वो जीवात्मा इससे बाहर निकल जाएगी तो इसको जला दिया जाएगा। जो शरीर को दुख सुख मिलते हैं वो उसको नहीं मिलते क्योंकि वो तो निष्प्रिय है। दुख सुख तो शरीर को मिलते हैं लेकिन मन इस शरीर को ही मैं मान लिया है, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे पेट दर्द है, मुझे कैंसर हो गया है, मुझे टीबी हो गई है। ये कहते हैं लोग ना, मुझे हो गया। अरे, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, तुम्हारे शरीर को हुआ है। वो तो जीवात्मा है, असोस है, अदाह है, न सूख सकती है, न उसे काटा जा सकता है, न उसे मारा जा सकता है, वो तो अजर अमर अविनाशी है। होता तो तुम्हारे शरीर को कष्ट है और तुम कहते हो मुझे कष्ट हो रहा है। शरीर और तुम
तुम शरीर नहीं हो भाई। तो इस तरह से जिस तरह का प्रारब्ध लोग करते हैं, जिस तरह का कर्म लोग करते हैं, मरने के बाद जब धर्मराज के यहाँ हिसाब किताब होता है तो उस हिसाब से पितरलोक में जाते हैं। कोई सात्विक प्रेत बनते हैं, कोई तामस प्रेत बनते हैं, कोई राजस प्रेत बनते हैं। सात्विक पितर जो होते हैं वो अपने कुल के लोगों को कभी दुख नहीं देते हैं। राजस प्रेत जो होते हैं वो कभी कभार अपने वंशजों को स्वप्न देते हैं, और तामस प्रेत जो होते हैं ये अपने खानदान के लोगों को इतना ज़्यादा दुखी करते हैं, इतना ज़्यादा दुखी करते हैं कि जीना मुहाल कर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 10वें अध्याय में अपनी 84 विभूतियों का अर्जुन से वर्णन किया है कि मैं क्या हूँ, क्या नहीं हूँ, कहाँ कहाँ मेरा वास है, कौन कौन मैं हूँ। धनुर्धरों में मैं श्री राम हूँ, गांडीवधारी में मैं अर्जुन हूँ, वृक्षों में मैं पीपल हूँ, ऋतुओं में मैं बसंत हूँ, महीने में मैं मार्गशीर्ष हूँ। तो इस तरह से भगवान ने अपने स्वरूप की चर्चा की है। ये आपका जो 10वां अध्याय है गीता का, उसमें उन्होंने अपनी विभूतियों का चर्चा किया है। उस विभूति में उनकी एक चर्चा ये बड़ी खास है कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ, वृक्षों में मैं पीपल हूँ, और ऋतुओं में मैं बसंत हूँ, महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ, मासा नाम मार्गशीर्षो हम ऋतु नाम कुसुमा कर। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान पीपल के पेड़ में भी वास करते हैं, भगवान वासुदेव का वास पीपल के पेड़ में है। तो ऐसे में सबसे पहला जो पवित्र पेड़ है सनातन धर्म की दृष्टि से वो पीपल का पेड़ है। एक और इसमें जहाँ विष्णु का निवास है वहीं ये वृक्ष रूप में पितृदेव भी है। पितृपक्ष में पीपल के पेड़ की उपासना करने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पीपल के पेड़ को तोड़ने से, काटने से पितृदोष और शनि दोष लगता है। पितृपक्ष में पीपल का पेड़ लगाने से पितरों की कृपा मिलती है। भगवद गीता में, मैं फिर वही बात दोहरा रहा हूँ, भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने अस्पष्ट शब्दों में अर्जुन से कहा है कि हे अर्जुन, वृक्षों में मैं अस्वस्थ अर्थात पीपल हूँ। किसी अपवित्र स्थान पर लगे पीपल के पेड़ को निकालकर साफ और पवित्र स्थान पर लगाने से भी कई प्रकार के दोष दूर हो जाते हैं। अमावस्या के दिन जो व्यक्ति पीपल का पेड़ किसी नदी के किनारे लगाता है और पीपल के पेड़ में जल चढ़ाता है, पीपल के पेड़ के नीचे दीपदान करता है, उसके सभी कष्ट क्षण भर में दूर हो जाते हैं। अब दूसरा जो वृक्ष है पितरों की कृपा दिलाने वाला वो है बरगद, जिसको हम बट वृक्ष भी कहते हैं। बरगद में साक्षात भगवान शिव का निवास है, महादेव निवास करते हैं बट वृक्ष के अंदर। आपको ऐसा लगता है कि आपके पितर अतृप्त हैं या उनको मुक्ति नहीं मिल पाई है, तो बरगद के नीचे बैठ करके आप भगवान शिव की उपासना करिए और नमः शिवाय का जप करिए। यदि आपका जनेऊ हुआ है तो आप ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हैं। अगर आपका जनेऊ नहीं हुआ है और आप महिला हैं तो आपको नमः शिवाय का जप करना चाहिए, ऐसा हमारे शिव पुराण का वाक्य है। बरगद का पेड़ लगाने से, बरगद के पेड़ में जल चढ़ाने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। पितृपक्ष में पितरों को पिंडदान के बाद पीपल या बरगद का एक पौधा जरूर लगाना चाहिए। अब आ जाइए तीसरा पितरों को कृपा दिलाने वाला जो वृक्ष है, जो पेड़ है, वो है
बेल का पेड़, जो बिल्व पत्र भगवान शिव को अर्पित किया जाता है, वही बेल का पेड़। भगवान शिव का सबसे प्रिय है ये बेल का पेड़। बेल का पेड़ अगर लगाया जाए और उसमें हर रोज जल चढ़ाया जाए तो अतृप्त पितरों को भी शांति मिलती है। अमावस्या के दिन शिव जी को बेलपत्र और गंगा जल अर्पित करने से सभी पितरों को मुक्ति मिलती है। पितृपक्ष में पीपल, बरगद और बेल के पेड़ के अलावा गूलर, पलाश, सफ़ेद मंदार, चिचिढ़ा, कुसा, तुलसी, आम और जामुन का पौधा लगाने से भी पितरों को तृप्ति मिलती है और आपको लाभ होता है। जय माँ विंध्यवासिनी। अब वो कौन से तीन पंछी हैं जिनकी सेवा करने से, जिनका ध्यान रखने से, जिन्हें खाना खिलाने से पितरों की कृपा पाई जा सकती है, ये आपको बताऊंगा। बस थोड़ा देर इंतजार कर लीजिए। जी हाँ, तो पंडित जी आपको ये भी बताएंगे कि वो कौन से पक्षी हैं, लेकिन उसके पहले हम जान लेते हैं 12 राशियों के राशिफल के बारे में। और सबसे पहले जान लेंगे मेष राशि वालों का राशिफल, कैसा उनका आज का पूरा दिन रहेगा, बताएं पंडित जी। ऐसा है अंजलि, आज मेष राशि में बृहस्पति और राहु की युति है और आय भाव में शनि स्वगृही होकर बैठा हुआ है, चंद्रमा से पंचम नवम है, तो आज तो मुझे लग रहा है कि अगर आपकी मेष राशि है तो भले संभावना न हो लेकिन कहीं न कहीं से आपको धन लाभ होगा, ऐसा हमारा अनुमान कह रहा है। और यदि आप नौकरी के लिए परेशान हैं तो आज आपको किसी नौकरी के लिए बुलावा भी आ सकता है। और यदि आप शादीशुदा हैं और आपके जीवन में कुछ कड़वाहट थी तो कड़वाहट अब दूर होने वाली है और वैवाहिक जीवन में आपके खुशियाँ लौटने वाली है। मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, पैसे के लेन देन में ज़्यादा सतर्क रहें, गेहूं का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद है। जय माँ विंध्यवासिनी। तो अब आगे जान लेंगे वृषभ राशि वालों की आज का कैसा रहेगा उनका दिन और कैसी रहेगी कामकाज, रिश्ते और सेहत, बताएं पंडित जी। देखिए, वृषभ राशि से द्वितीय भाव में चंद्रदेव विराजमान हैं और वृषभ राशि से द्वितीय भाव का स्वामी बुध वो इस समय पंचम भाव में सूर्य के साथ विराजमान है। कुल मिलाकर ये परिस्थिति देखने पर तो ये बात पता चल ही रही है कि आज आपको आमदनी का कोई नया जरिया मिलने वाला है, आमदनी का कोई नया स्रोत मिलने वाला है। लेकिन अगर आप नौकरी करते हैं तो जो काम आपके जिम्मेदारी पर पेंडिंग है उसको आपको निपटाना चाहिए। वैसे कोशिश आप करिएगा कि पिता के साथ वैचारिक मतभेद न हो, क्योंकि अनबन होने की संभावना बनी हुई है। और हाँ, लापरवाही मत करिएगा क्योंकि चोट चपेट की भी संभावना है। जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला मत लीजिएगा। भगवान गणेश को दुर्वांकुर और लड्डू अर्पित करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय माँ विंध्यवासिनी। तो आगे पंडित जी हमें बताएंगे बहुत सारे उपाय, लेकिन हमारे दर्शक एक जुड़ चुके हैं, मनोज। मनोज, आप अपने सवाल पूछिए। हेलो। हाँ मनोज जी बोलिए। गुरुजी प्रणाम। खुश रहिए, जरा जोर से बोलिए भैया जी। गुरुजी, शुरू बचपन से 10 साल की उम्र से पारिवारिक और मानसिक समस्या, धन की समस्या रहती है, खटने का नाम ही नहीं ले रही है। देखो, सही बात तो ये है कि हमें प्रारब्ध अवश्यमेव भोक्तव्यम, जो हमारे कर्मों के शुभाशुभ फल हैं उसे हमें भोगना पड़ता है। पूर्व जन्म का जो हमारा प्रारब्ध है उसे भोगना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं कि हम कबूतर और चिड़िया नहीं हैं कि जो हमारा प्रारब्ध है उसे मुझे भोगना ही पड़ेगा। हम मनुष्य हैं और मनुष्य अच्छे कर्मों को करके पुराने प्रारब्ध को ख़त्म कर सकता है और नए प्रारब्ध का उदय कर सकता है। मैं तो मनोज जी आपसे इतना ही कहूँगा, जो ज्योतिष के हिसाब से आपको देख पा रहा हूँ,
आपके दशम भाव का स्वामी शुक्र लग्न में बैठा हुआ है, धन भाव का स्वामी धन भाव में बैठा हुआ है, आपके अंदर कोई बुराई और दुर्गुण तो है नहीं, तो आप क्यों नहीं भगवान गणेश की उपासना करते। ओम गंग गणपतये नमः, ये छोटा सा मंत्र आपको बता रहा हूँ, इस मंत्र को 10 माला जब आप रोज सुबह शाम करना शुरू कर दीजिए और भगवान श्री गणेश का ध्यान करना शुरू कर दीजिए, और जहाँ भी आपके घर के आसपास गणेश जी का मंदिर है वहाँ आप दुर्वा घास ले जा करके उसकी माला बना करके पीले धागे में और गणेश जी को पहना दीजिए। ये उपाय आप 21 बुधवार कर दीजिए, फिर उसके बाद देखिए आपके घर में कैसे महालक्ष्मी की कृपा होती है और कैसे आप अभावों से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, संपत्ति भी विपत्ति का कारण बनती है, संपत्ति उतना ही चाहिए जितने से दिमाग न खराब हो, ज़्यादा संपत्ति भी विपत्ति का कारण बनती है। हमारे यहाँ सनातन धर्म में तो यही है कि साध इस प्रभु इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, आप न भूखा रह सके साधु न भूखा जाए, उतना ही दीजिए प्रभु जितने की आवश्यकता है, ज़्यादा संपत्ति तो विपत्ति बन जाती है। जय माँ विंध्यवासिनी। तो पंडित जी आपने ये तो बताया कि कौन से वो 3 पौधे लगाएं, लेकिन क्या है कि ये तो सबको पता है कि पितर पक्ष में कौवे को लुकदान भी करते हैं, खिलाते हैं, लेकिन 3 पक्षी ऐसे कौन हैं कौवे के अलावा जिनको पितर पक्ष में खिलाना चाहिए? और ये भी मुझे लगता है हमारी तरह और दर्शक भी जानना चाहते होंगे, क्या इन 3 पक्षियों की अगर बात हम करें तो पितर पक्ष में उनकी सेवा करनी चाहिए क्या ऐसे भी करनी चाहिए? देखिए, सबसे पहला पक्षी जो है जिसकी सेवा से पितरों की कृपा मिलती है वो है कौवा, और 5 प्रकार की हमारे यहाँ बलि कही गई है जिसमें काग बलि का नाम आता है, काग बलि माने कौवा। कौवा एक ऐसा पंछी है कि अगर आपके मुंडेर पर बैठ करके काँव काँव करे और आप कह दीजिए कि अगर कोई मेहमान आ रहा है तो चले जाओ और वो उड़ जाए, तो समझ लीजिएगा कि आपके घर में 2-4 घंटे के अंदर कोई न कोई अतिथि आने वाला है। हम लोग बचपन में गांव में देखते थे, कौवा जब आके काँव काँव करता था तो माता चाची ये सब कहती थी जा उड़ जा, अगर क्यों रिश्तेदार आओ तो जाओ उड़ जाओ, वो उड़ जाते थे और उस दिन कोई न कोई लोग आ जाते थे। ये बात आँखों से देखा है, कोई ये बात कल्पना की नहीं है, आँखों से देखी हुई बात है। अब न रहा आंगन, न मुड़ेर, न कौवे का काँव काँव, अब तो चीज़ें आपको ऐसी लग रही होंगी जैसे मैं अपने मन से कल्पना करके कुछ कह रहा हूँ, लेकिन अगर आप भी गाँव में रहे होंगे, आप भी आंगन में बैठे होंगे, आपने कौवे की काँव काँव सुनी होगी, तो आपने ये भी सुना होगा कि जाओ उड़ जाओ अगर कोई मेहमान आ रहा है, और अगर नहीं आ रहा है ना तो नहीं उड़ेंगे, उनको रोटी खिलाइए वो बैठे रहेंगे वहीं काँव काँव करते रहेंगे। तो कौवा अतिथि आगमन का सूचना भी देता है और पितरों का आश्रय स्थल भी माना जाता है। पुराणों में कौवे को देवपुत्र माना गया है, इंद्र का बेटा जयंता वो भी कौवा बनकर के आया है, उसको भ्रम हो गया। उसको भ्रम क्या हुआ जानते हैं कि ये जो राम हैं सारे देवता कहते हैं कि परम पिता परमेश्वर हैं, और ये तो चित्रकूट में बैठ करके फूलों की माला फूलों का आभूषण बना करके अपने पत्नी को पहना रहे हैं। ये ईश्वर कैसा है जो अपने हाथ से फूलों का गहना बना करके और अपने पत्नी को पहना रहा है, इतना माया मोह में आ सकता। उसने भगवान का बल जानने के लिए सीता चरण चोच हति भागा मंद बुद्धि अति बायस कागा, वो आकर के माता के श्री चरणों में अपने चोच से प्रहार करके और उड़ गया। जिस सींक से भगवान प्रभु फूलों में जो सींक पिरो करके माँ सीता के लिए कान का गहना बना रहे थे, उसी सींक को उस कौवे के पीछे उन्होंने फेंक दिया, और वो कौवा पूरे ब्रह्मांड में भगवान शिव के यहाँ, ब्रह्मा के यहाँ, इंद्र के यहाँ भागता रहा, लेकिन उसको किसी ने शरण नहीं दिया। अंत में जाकर के नारद के उपदेश पर उसने भगवान राम की ही शरण ली और भगवान राम ने उसके दुष्टता पूर्ण कृत्य के लिए उसकी एक आँख खराब कर दी और उसको अभय दान दे दिया। तो
कौआ शनि देव का वाहन है, वायु तत्व का प्रतीक है, कौआ दिशाओं का फलित भी बताता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि कौआ यमराज का संदेश वाहक होता है, यानी यमदूत होता है। कौआ अगर किसी के सर में आकर के पंजा मार दे चलते हुए आदमी के, तो समझ लेना चाहिए कि उसकी मृत्यु सन्निकट है। तब उसको क्या करना चाहिए अगर ऐसा हो जाए? उसको अपने किसी प्रिय रिश्तेदारी में अपने मृत्यु का झूठा समाचार दे देना चाहिए, और झूठे समाचार पर अगर कोई रो लेगा तो आपके मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा। ये बहुत बुरी बात है, आप भी जानते होंगे, कोई मैं नई बात तो कह नहीं रहा हूं, जो समाज में हम बचपन से सुनते आ रहे हैं वही बात आपको बता रहे हैं। श्राद्ध पक्ष में कौए घर घर जा करके भोजन ग्रहण करते हैं, इससे यमलोक में स्थित पितर देवताओं को तृप्ति मिलती है। पुराणों के अनुसार कौए ने अमृत का स्वाद भी चख लिया था, इसीलिए इस पक्षी की कभी स्वाभाविक मृत्यु नहीं होती है। कौए की कभी स्वाभाविक मृत्यु नहीं होती है कि वो बीमार होकर मर जाए, कोई बीमारी या वृद्धावस्था से भी इसकी मौत नहीं होती है, ये बात जान लीजिए। इसकी मृत्यु जब भी होती है आकस्मिक रूप से ही होती है। जिस दिन किसी कौए की मृत्यु हो जाती है उस दिन उसका कोई साथी कौआ भोजन नहीं करता है। और आप एक बात जान लीजिए, अगर किसी कौए को आपने परेशान किया है या मार दिया है तो कौए आपको पहचान लेंगे। आप उत्तर प्रदेश में कौए को मारेंगे लेकिन दिल्ली तक कौए आपका पीछा करेंगे, दिल्ली में भी आपको देख करके कांव-कांव करके आपको परेशान करेंगे, इतना ज़्यादा इनके अंदर सेंसिटिविटी होती है। कौआ अकेले में कभी भोजन नहीं खाता है, वो किसी साथी के साथ ही मिल बांट कर भोजन ग्रहण करता है। कौए को भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पहले ही आभास हो जाता है। कौए को भोजन कराने से पितृदोष और राहु केतु का दोष दूर होता है। पितृपक्ष में अगर कोई भी व्यक्ति कौए को भोजन कराता है तो ये भोजन कौए के माध्यम से उनके पितर ग्रहण करते हैं। दूसरा पंछी जो पितरों की कृपा दिलाता है वो है हंस, जिसे हमने आपने देखा भी नहीं होगा। पंछियों में हंस एक ऐसा पंछी है जहाँ देवात्माएँ आश्रय लेती हैं। ऐसा माना जाता है कि हंस में पुण्यात्माओं का वास होता है। माँ सरस्वती की पूजा करके हंस की उपासना करने से पितर प्रसन्न होते हैं। तीसरा पंछी जो पितृपक्ष में महत्व रखता है वो है भगवान गरुड़ देव, बनिता के पुत्र और भगवान श्री हरि के वाहन। भगवान गरुड़ श्री हरि विष्णु के वाहन हैं। भगवान गरुड़ के नाम पर ही गरुड़ पुराण की रचना हुई है। जब कोई व्यक्ति मृत हो जाता है तो गरुड़ पुराण की कथा सुनाई जाती है, जिसमें श्राद्ध कर्म, स्वर्ग नरक, पितृलोक का उल्लेख मिलता है और किस तरह से कर्मकांड कैसे किया जाता है, जीव किस दिन किस अवस्था में पहुंचता है, किस दिन धर्मराज के यहाँ पहुंचता है, किस दिन नरक में पहुंचता है, ये सारा वर्णन आपको गरुड़ पुराण में मिल जाएगा। पंछियों में गरुड़ बहुत ही पवित्र माने गए हैं और इनको पंछी राज कहा गया है। भगवान विष्णु की पूजा में गरुड़ की पूजा करने से पितर प्रसन्न होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। जय माँ विंध्यवासिनी। पंछियों के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन वो तीन पशु कौन से हैं जिनकी सेवा करने से पितृदोष के बुरे प्रभावों से मुक्ति मिलती है, पितरों का आशीर्वाद मिलता है, इस बारे में भी बताऊंगा। आप थोड़ी सी अपनी जिज्ञासा को थोड़ी देर के लिए शांत रखिए, आप हमारे साथ बने रहिए। जय माँ विंध्यवासिनी। तो देखिए, जैसा कि पंडित जी ने कहा कि अपनी जिज्ञासा को बनाए रखिए, अभी और ढेरों सारे उपाय बताएंगे, क्योंकि ये हम खास कार्यक्रम कर रहे हैं कि कैसे आप पितरों को प्रसन्न करें। लेकिन उसके पहले जान लेते हैं मिथुन राशि वालों का आज उनका कैसा दिन रहेगा, क्या कुछ उनको उपाय करने चाहिए, पंडित जी बताएं। देखिए, मिथुन राशि में चंद्रमा की स्थिति है, चंद्रमा धन भाव का स्वामी होकर के आपके राशि में है, लेकिन व्यय भाव का स्वामी आपके भाव से तृतीय भाव में है। आज कुछ ऐसा खर्च आप कर सकते हैं जिससे कर्ज लेने की स्थिति बन सकती है, या आप क्रेडिट कार्ड के भरोसे कोई काम कर सकते हैं। ऑफिस में अगर आप अपनी गलतियों को स्वीकार करके उसको ठीक कर लें तो इसमें मेरी समझ से कोई बुराई नहीं है। गुस्से में किसी से रिश्ता न बिगाड़ें,
स्किन एलर्जी से आप परेशान हो सकते हैं। गाड़ी चलाते समय ज़्यादा सतर्क रहें। माँ लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करें। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए ग्रे है। जय माँ विंध्यवासिनी। तो आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं कर्क राशि वालों का आज का पूरा दिन कैसे बीतने वाला है, बताएं पंडित जी आज कर्क राशि वालों के लिए क्या रहेगा खास। देखिए, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा व्यय भाव में है, द्वितीय भाव में शुक्र की स्थिति है, तृतीय भाव में सूर्य बुध है, चतुर्थ भाव में मंगल के साथ केतु है। आज आप खुद को आर्थिक तौर पर मजबूत रखें, किसी दूसरे के काम में इंटरफियर ना करें, दखल ना दें। परिवार के साथ घूमने का प्लान बना सकते हैं आप। सिर दर्द की समस्या हो सकती है। नौकरी में बदलाव बिल्कुल ना करें, गाय को रोटी खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय माँ विंध्यवासिनी। तो देखिए, कौन से वो 3 पशु हैं जो पितरों की कृपा आपको दिलाएंगे और कौन से वो 3 जलीय जीव हैं जिनकी पूजा और सेवा पितर दोष से आपको मुक्ति दिला सकती है, ये सब बताएंगे आपको पंडित जी। लेकिन रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कालचक्र की ये खास पेशकश पुण्यकारी पितृपक्ष। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। और आज कालचक्र में पंडित जी आप अलग सी जानकारी दे रहे हैं कि वो कौन से 3 पौधे थे, कौन से वो 3 पशु हैं, आपने जैसे बताया कौवे की हंस की बात, तो अब अगर पशु की बात की जाए तो वो कौन ऐसे 3 पशु हैं जिनका अगर हम सेवा करें तो पितर पक्ष में खास तौर पर पितर प्रसन्न होंगे। देखो, गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, विद्या विनय संपन्ना ब्राह्मण गविहस्तिनी सूनी चय स्वपाकी च पंडिता समदर्शिना। इसका अर्थ ये होता है, विद्या विनय से संपन्न चाहे कोई सुशील ब्राह्मण हो, विद्या विनय संपन्ना ब्राह्मण गविहस्तिनी गाय हो या हाथी हो, सूनी चय सुपाकी च कुत्ता हो या चांडाल हो, पंडिता समदर्शिना जो पंडित होते हैं, सद असद दुरावई यशसह पंडा यो जानात स पंडिता, जो सत्य और असत्य में भेद जानता है वही पंडित है। तो ऐसे पंडितों के दृष्टि में ये सब एक समान हैं, सब में समान प्रभु का वास है। तो अब पितरों को प्रसन्न करने के लिए जो हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है उसमें सबसे पहला अगर कोई पशु है जो पितरों की तत्काल कृपा दिलाता है वो है कुत्ता। क्यों? क्योंकि कुत्ता यमराज का पशु है और ये जल तत्व का प्रतीक है। श्राद्ध के भोजन का अंश कुत्ते को देने से यमराज और पितर तत्काल प्रसन्न होते हैं। कुत्ता निष्ठावान भी है और रक्षक भी है। कुत्ता एक ऐसा जीव है जिसे भविष्य की घटनाओं का आभास पहले ही हो जाता है। कुत्ते को भोजन खिलाने से भैरव प्रसन्न होते हैं। बटुक भैरव के दोनों तरफ 2 कुत्ते होते हैं, दाहिनी तरफ उनके काला कुत्ता होता है, बाईं तरफ उनके सफेद कुत्ता होता है। ओम करकलित कपाल कुंडली दंड पाणिस तरुण तिमिर नील ब्याल यज्ञोपवीति कृत समय सपर्याद विघ्न विच्छेद हेतु जैत बटुकनाथ सिद्धिदह साधकानाम। तो कहने का मतलब, भैरव जी का भी ये एक प्रकार से बड़ा प्रिय मतलब की पशु है और भैरव के प्रसन्न होने से आकस्मिक घटनाओं से तंत्र मंत्र जादू टोना भूत प्रेत पिशाच इन सारी चीजों से मनुष्य की रक्षा होती है। जिसके ऊपर भैरव की कृपा हो उसको कोई भी व्यक्ति अभिचार से कष्ट नहीं दे सकता है। अभिचार का मतलब जादू टोना तंत्र मंत्र नजर हाय, ये अभिचार की श्रेणी में आते हैं। कुत्ते को हर रोज रोटी खिलाने से पितृ प्रसन्न होते हैं।
तो आपने कुत्ते के बारे में तो समझ लिया कि यह एक निष्ठावान और बहुत ही एहसानमंद पशु है। दूसरा जो पशु की श्रेणी में आता है उसको पशु ना कहें तो ठीक है, वो तो हमारा देवता है हाथी। हाथी को हम साक्षात भगवान गणेश ही मानते हैं, और सिर्फ मैं नहीं, सनातन धर्म का बच्चा बच्चा हाथी को गणेश रूप में ही देखता है। कहीं भी हाथी को कोई देखता है तो प्रणाम जरूर करता है, अगर जरा सा भी आस्तिकता है तो हाथी को देखकर लोग प्रणाम जरूर करते हैं, और अगर जरा सा भी समय है और परिस्थिति है तो हाथी को लोग खिलाना भी चाहते हैं, नहीं कुछ तो दो केले ही खिलाना चाहते हैं। हाथी को भगवान गणेश का साक्षात रूप माना गया है। गजाननम भूत गणाधिसेवितम कपित्थ जम्बू फलचारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाश कारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। तो हाथी जो है इंद्र का वाहन भी है और पूर्वजों का प्रतीक भी है। हाथी दीर्घायु का भी प्रतीक है। जिस दिन किसी हाथी की मृत्यु हो जाती है उस दिन उसका कोई साथी भोजन नहीं करता है। हाथियों को अपने पूर्वजों की स्मृतियां रहती हैं। सुख समृद्धि की इच्छा रखने वाले उस दिन हाथी की पूजा करते हैं। हाथी को केला और घास खिलाने से, गन्ना खिलाने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। घर में भी उत्तर दिशा में हाथी की प्रतिमा चांदी की बनवा करके अगर रख ली जाए पूजा स्थान में एक जोड़ा हाथी की प्रतिमा, तो आपके घर से नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी। आपके घर में अगर लोगों का चेहरा हर समय मुरझाया हुआ रहता है और आप दो बढ़िया चांदी के हाथी बनवा करके और उसे अपने पूजा स्थान में उत्तर की तरफ, उत्तर के डायरेक्शन में रख लें, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपके घर से नेगेटिव एनर्जी तो दूर हो जाएगी। जो व्यक्ति हाथी की सेवा करता है और हाथी को कभी कष्ट नहीं पहुँचाता है उसके चारों ओर एक सुरक्षा चक्र निर्मित हो जाता है। हाथी की मूर्ति घर में रखने से संतान का सुख मिलता है, वैवाहिक जीवन सुखी रहता है और बौद्धिक क्षमता भी बढ़ती है, इसमें कोई संशय नहीं है। जय माँ विंध्यवासिनी। तो आप सोचेंगे दो तो बता दिए, तीसरा क्यों रोक रहे हैं? तो तीसरे पशु के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखिए। जय माँ विंध्यवासिनी। जी हाँ, तो पंडित जी तीसरे पशु के बारे में बताएंगे, क्योंकि दो के बारे में आपको बता दिया। और मुझे लगता है पंडित जी हाथी तो हर बच्चा भी पसंद करता है, जैसे कि आपने बताया हाथी की सवारी भी करता है, तो हाथी की सेवा करने से आपको बहुत लाभ मिलेगा। राशियों में आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेंगे सिंह राशि वालों के लिए कि आज उनका पूरा दिन कैसा रहेगा। पंडित जी देखिए, सिंह राशि का स्वामी सूर्य इस समय द्वितीय भाव में बुध के साथ है, लग्नेश द्वितीय की युति है, इसमें तो कुछ पूछने की बात ही नहीं है। कोई पुराना इन्वेस्टमेंट, कोई पुराना निवेश आपका आपको जम करके धन लाभ कराएगा, आपकी वित्तीय स्थिति स्ट्रांग होगी, ऑफिस में आपके काम की तारीफ होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लंबे समय बाद आपकी अपने लोगों से मुलाकात होगी, लेकिन अगर आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है तो आप घुटनों के दर्द से परेशान हो सकते हैं। किसी अनजान व्यक्ति से बहुत ज्यादा घुलने मिलने की कोशिश ना करें। विद्यार्थियों में शिक्षा से जुड़ा सामान दान करें। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए आगे राशि के बारे में भी जानेंगे, लेकिन पंडित जी आपने दो पशुओं के बारे में बता दिया और हमारे दर्शक अब जानना चाह रहे होंगे कि तीसरा वो कौन सा पशु है जिनकी सेवा करने से पितर प्रसन्न होंगे। देखिए सही बात तो ये है कि जिज्ञासा तो मन में होगी ही कि कुत्ते के बारे में जान लिया, हाथी के बारे में जान लिया, तो अब तीसरा कौन? तो तीसरा जो कृपा दिलाता है या कृपा दिलाती है वो है गौ माता। गौ माता सनातन धर्म में गाय को माता माना गया है। स्वामी विवेकानंद से पूछा गया
विदेश में कि आपके देश में सबसे अच्छा दूध किस पशु का माना जाता है, तो स्वामी विवेकानंद ने कहा भैंस का। तो लोगों ने कहा आपके यहाँ तो गाय की पूजा होती है और लोग कहते हैं गाय का दूध बहुत बढ़िया होता है। बोले गाय कोई पशु थोड़ी है, गाय तो हमारी माँ है और कोई दूध थोड़ी देती है, वो तो अमृत देती है। कहने का मतलब इसी तरह से उनसे ये भी पूछा गया था कि आपके यहाँ सबसे पवित्र नदी कौन है, तो उन्होंने कहा यमुना। तो लोगों ने कहा आपके यहाँ तो गंगा की बड़ी मान्यता है, तो कहें गंगा कोई नदी थोड़ी है, गंगा तो माँ है, हम गंगा को नदी ही नहीं मानते, हम गंगा को माँ मानते हैं, गंगा जल अमृत है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि गाय तो सचमुच में हमारी माँ है और गाय सनातन धर्म के दृष्टि में अर्थ शास्त्र की मेरुदंड है। आज लोग कह रहे हैं ना गरीबी हटाएंगे, आमदनी दुगुना करेंगे, विश्व में भारत को धर्मगुरु बनाएंगे, आर्थिक उन्नति करेंगे, लेकिन हमारा जो अर्थशास्त्र था वो गाय के अगल बगल ही घूमता था। गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। सबसे पहला धन गाय को ही धन माना गया है। गाय सर्वप्रथम धन है, दूसरा घोड़ा धन है, तीसरा हाथी धन है और चौथे रतन धन है, पांचवें नंबर पर एक कागज की नोट आती है। तो गाय में चूंकि 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना गया है हमारे शास्त्रों के हिसाब से और पितरों का वास माना गया है, गाय पृथ्वी तत्व का प्रतीक है। मान्यता के अनुसार 84 लाख योनियों का सफर करके आत्मा अंतिम योनि के रूप में गाय बनती है। गाय लाखों योनियों की वह पड़ाव है जहां आत्मा विश्राम करके आगे की यात्रा शुरू करती है। पितृदोष से मुक्ति के लिए भी गाय को रोटी खिलाने की प्रथा है। हर रोज या अमावस्या के दिन गाय को रोटी गुड़ और चारा खिलाने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। गाय को किसी भी प्रकार से हानि पहुंचाने से पितृ नाराज होते हैं। गाय को पैर से छूने से भी पितृ कुपित होते हैं। पितृदोष के अलावा भी कुंडली में कई ग्रह दोषों को गाय की पूजा और सेवा से दूर किया जा सकता है। देसी गाय की पीठ पर जो कुबड़ होता है वो बृहस्पति है। ऐसे में कुंडली में गुरु ग्रह यदि नीच राशि में हो या अशुभ स्थिति में हो तो देसी गाय के उठे हुए पीठ के भाग का दर्शन और स्पर्श करने से लाभ मिलता है। जिन लोगों की कुंडली में बृहस्पति नीच राशि में हो उनके लिए यह वरदान है। कुंडली में सूर्य और चंद्रमा कमजोर हो तो गाय के नेत्रों के दर्शन करने से चंद्रमा और सूर्य की स्थिति ठीक होती है, क्योंकि गौ माता के नेत्रों में प्रकाश स्वरूप भगवान सूर्य और ज्योतिषना के अधिष्ठाता चंद्रदेव निवास करते हैं। जिस घर में गाय होती है उसमें वास्तु दोष खुद ही समाप्त हो जाता है। और एक उपाय आपको बता रहा हूँ, उपाय ये है कि अगर आप गरीबी का दंश झेल रहे हैं, कर्जा आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, ये मेट्रो सिटी के लिए तो नहीं है, ना संभव है, लेकिन चूंकि हमारा देश 70% गाँव में रहता है इसलिए मैं गाँव वालों के लिए उपाय बता रहा हूँ। तो आप ऐसा करिए कि रविवार के दिन अपने दरवाजे पर ना बहुत ठंडा पानी ना बहुत गर्म पानी, नॉर्मल पानी से गाय को सुबह 10 बजे स्नान करवा दीजिए अपने दरवाजे पर। गाय के नहाने का जब पानी आपके दरवाजे पर गिरेगा तो उस पानी से दरिद्र जल करके राख हो जाएगा। और अगर हर रविवार आप गाय को अपने दरवाजे पर ससम्मान स्नान करवाते हैं, उसके सेहत का ध्यान रख के स्नान करवाइएगा। ऐसा नहीं कि आपको लक्ष्मी चाहिए और गाय बीमार हो तभी आप नहलाने लगिए तो पुण्य की जगह पाप लग जाएगा। उसके सेहत का ध्यान रख करके अगर गाय को रविवार के दिन दरवाजे पर स्नान कराया जाए और उसके द्वारा जो जल गिरेगा उससे आपके कुल खानदान के पितर तो संतुष्ट होंगे ही, दरिद्रता भी जल करके भस्म हो जाएगी और वहाँ स्वयं कुबेर को आकर के आपके घर की वित्तीय स्थिति को ठीक करना पड़ेगा। जय माँ विंध्यवासिनी। वो तीन जलीय जीव कौन से हैं इसके बारे में भी आपकी जिज्ञासा होगी, जिनकी पूजा करने से पितर प्रसन्न होते हैं, इस बारे में भी बात करूंगा
बस थोड़ी देर में। तो आज ढेरों सारे उपाय बता रहे हैं पंडित जी, और खास तौर पर देखिए हम सबको पता है कि गाय हमारी माता है, हमने बचपन से ही पढ़ा था पंडित जी, लेकिन आज आपने बताया कि आखिर क्यों गाय कितनी महत्वता है। मुझे लगता है कि आप लोग को ये उपाय बहुत आसान भी लगा होगा और आप आसानी से कर भी सकते हैं। लेकिन अब जान लेंगे कन्या राशि वालों के बारे में, कैसा रहेगा आज उनका पूरा दिन, बताएं पंडित जी। देखिए कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि में सूर्य और बुध की स्थिति बनी हुई है, हाथ में आए पैसों का अपमान न करें, उसका दुरुपयोग न करें। ऑफिस में आज दिन भर आप व्यस्त रहेंगे, परिवार में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, लेकिन अगर आप ब्लड प्रेशर के रोगी हैं तो अपने सेहत का आप ध्यान रखें, चाहे हाई ब्लड प्रेशर है चाहे लो ब्लड प्रेशर है। लापरवाही के कारण बड़ा नुकसान हो सकता है, सूर्य देव को जल देना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए लगातार हम लोग राशि के भी बारे में जान रहे हैं और आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि पंडित जी ने आपकी फिर से जिज्ञासा बढ़ा दी है। लेकिन उसके पहले पंडित जी तुला राशि वालों के बारे में जान लेते हैं कि आज उनका कैसा दिन रहने वाला है। देखिए तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि मंगल केतु की स्थिति आपके राशि में है, आपके एकादश भाव में शुक्र है आपका राशि स्वामी, तो कहने का मतलब कारोबारी दृष्टि से, व्यावसायिक दृष्टि से तो आपका दिन सामान्य रहने वाला है। ऑफिस में नए सहकर्मी आपके दोस्त बन सकते हैं, आपका शांत स्वभाव रिश्ता टूटने से बचा सकता है। योग और प्राणायाम से स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, किसी से धोखाधड़ी बिल्कुल ना करें, माता पिता का आशीर्वाद लेकर घर से निकलें। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए भूरा है। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए आपने पशु के बारे में तो जान लिया कि कौन कौन से पशु की आप सेवा कर सकते हैं, लेकिन अब हम जानेंगे उन जलीय जीवों के बारे में, वो कौन से हैं जिनकी पूजा बस कर लेने से ही आप पितर दोष से मुक्ति पा सकते हैं। आइए जानते हैं पंडित जी, ये अलग जानकारी होगी, मुझे लगता है कि जलीय जीव के बारे में बहुत हमारे आम दर्शक हैं जो नहीं जान पाते हैं, तो खास तौर पर ये जो आप जानकारी देंगे ये पितर पक्ष में ही उपाय करने चाहिए या ऐसे भी कर सकते हैं? नहीं, पितर पक्ष के अलावा भी उपाय करना चाहिए जी। देखो ऐसा है, जीवों के प्रति भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणमेव च निर्ममो निरहंकार सम दुख सुखम क्षमे। कहने का मतलब ये है, मैत्रः करुणमेव च का मतलब है कि जो अपने बराबरी के लोग हैं उनसे तो मैत्री करिए, लेकिन जो जीव आपसे छोटे स्तर पर हैं उनके प्रति आपके मन में करुणा होनी चाहिए। वो चाहे जली जीव हों और चाहे पशु हों, उनके प्रति आपके अंदर हिंसात्मक भाव नहीं होना चाहिए, उनके प्रति आपके मन में करुणा होनी चाहिए, उनके मन में आपके मन में उनके प्रति दया होनी चाहिए। तो देखिए पहला जली जीव जिसकी सेवा से पितरों की कृपा मिलती है वो है मछली। भगवान विष्णु ने एक बार मत्स्य अवतार भी लिया था, मनुष्य जाति के अस्तित्व को जल प्रलय से बचाया था। जब श्राद्ध पक्ष में चावल के लड्डू बनाए जाते हैं तो उन्हें जल में विसर्जित कर दिया जाता है। पितृपक्ष में मांस मछली का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शनि दोष या पितृदोष से मुक्ति के लिए शनिवार को मछलियों को आटे की गोलियाँ खिलानी चाहिए। किसी को कोई गंभीर रोग है तो भी मछलियों को आटे की गोलियाँ खिलानी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि मछलियों और चींटियों को आटा डालने से भाग्य खुल जाता है। दूसरा जली जीव है जिसकी सेवा या पूजा से पितरों की कृपा मिलती है वो है कछुआ। भगवान विष्णु ने एक बार कच्छप अवतार भी लेकर देवता और असुरों के लिए मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर स्थापित किया था। कछुआ बहुत ही पवित्र उभयचर जंतु है जो जल की सभी गतिविधियों को जानता है। तीसरा जली जीव है जिसका पूजा पितरों की कृपा दिलाता है वो है नाग। नाग एक रहस्यमय जंतु है, ये भी पितरों का प्रतीक माना जाता है। नाग को मारना नहीं चाहिए, ऐसा करने से दोष लग सकता है। तो कहने का मतलब हमारे यहाँ स्पेशल रूप से एक नाग पंचमी का त्यौहार ही होता है, और उस नाग पंचमी के त्यौहार पर हर घर से नाग के लिए दूध और लावा धान की कील का प्रबंध किया जाता है, नाग की पूजा होती है। लोग अपने दरवाजे के द्वार देहली पर नाग की मूर्ति बना करके उसकी पूजा करते हैं। तो कहने का आशय ये है कि ये 3 ऐसे जली जीव। अच्छा हाँ, आप सोचेंगे सर्प और नाग में क्या अंतर है?
अभी हो सकता है आपको न पता हो, सर्प और नाग में अंतर यह है, नाग जल में रहता है और सर्प पृथ्वी पर रहता है। जैसे शेषनाग तो कहाँ रहते हैं, क्षीर सागर में। कालिया नाग कहाँ रहता है, वो कालीदह में, यमुना में रहता था। लेकिन जो सर्प होते हैं वो पृथ्वी पर रहते हैं, वो जल में नहीं रहते हैं। नाग और सर्प में इतना भेद समझ लेना चाहिए। जय माँ विंध्यवासिनी। तो देखिए पंडित जी ने बताया आपको नाग की सेवा करनी चाहिए। पंडित जी मछली के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि बहुत शुभ होता है, घर से निकलते वक्त भी कुछ लोग मछली रखते चांदी से, और खास तौर पर आपने बताया कि हर जीव जंतु के लिए आपको ऐसी सेवा भाव रखनी चाहिए। तो बिल्कुल आपको जो उपाय पंडित जी बता रहे हैं मुझे लगता है बहुत ही आसान तरीके से बता रहे हैं, खासतौर पर इन पशुओं की, इन वृक्षों की अगर आप सेवा करेंगे तो पितर जरूर प्रसन्न होंगे। अब जान लेते हैं राशि के बारे में। तो अब जानेंगे हम सबसे पहले वृश्चिक राशि वालों के बारे में कि आज पंडित जी उनका कैसा दिन रहने वाला है। देखिए वृश्चिक राशि के जातकों से कहना चाहूँगा कि आपका राशि स्वामी मंगल इस समय व्यय भाव में केतु के साथ गोचर कर रहा है। तरक्की का योग तो बन रहा है लेकिन देखिएगा भाई के साथ विवाद भी हो सकता है, जो अच्छी बात नहीं है। स्वास्थ्य ठीक रखिए, योग प्राणायाम करते रहिए, बड़े बुजुर्गों का भूल करके भी अपमान मत करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय माँ विंध्यवासिनी। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। धनु मकर और कुंभ मीन राशि वालों की किस्मत आज कैसे रहने वाली है, कौन से उपाय इनकी हर उलझन को सुलझा सकते हैं ये भी जानेंगे हम पंडित जी से। लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए कालचक्र की ये खास पेशकश पुण्यकारी पितर पक्ष। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। चलिए अब बात करते हैं धनु राशि वालों के बारे में, कैसा बीतेगा आज का उनका पूरा दिन बताएं पंडित जी। धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि देखिए भाई बृहस्पति और राहु की युति तो अभी भी बनी हुई है और आपका राशि स्वामी बृहस्पति ही है। अगर आपका व्यवसाय साझेदारी में है तब तो आज आपको धन लाभ मिलने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और काम से जुड़ी आपको यात्रा भी करनी पड़ सकती है। आपका शांत स्वभाव बिगड़े रिश्ते को भी सुधार सकता है, लेकिन आँखों से जुड़ी समस्या हो सकती है। किसी नई योजना में निवेश करने से आपको बचना चाहिए और बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए गोल्डन है। जय माँ विंध्यवासिनी। तो अब मकर राशि वालों के बारे में भी जान लेते हैं क्योंकि वो भी इच्छुक होंगे, पंडित जी उनके बारे में भी बताएं। देखिए मकर राशि के जातकों से यही कहना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी शनि इस समय द्वितीय भाव में गोचर कर रहा है। जल्दबाजी में अगर आज आप कोई डिसीजन लेंगे, निर्णय लेंगे तो धन हानि हो सकती है, पक्की बात है। इसलिए कोई भी डिसीजन लेने में बहुत हड़बड़ाहट ना दिखाएं। ऑफिस में अधिकारियों से बिल्कुल तूतूमय विवाद की स्थिति ना पैदा करें। बच्चों से आपको शुभ समाचार मिल सकता है। पाचन संबंधी समस्या हो सकती है। व्यर्थ की जिद आपका नुकसान कराएगी। शिवलिंग पर जलाभिषेक करें। शुभ अंक आपके लिए 7 है, शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय माँ विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आज के लकी ईमेल कुंडली विजेता की और पंडित जी से जानेंगे, क्योंकि आज के जो हमारे कुंडली विजेता हैं वो रायगढ़ से हैं, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं सुरेंद्र जी, और उन्होंने ईमेल के जरिए अपनी बेटी के बारे में पंडित जी जानना चाह रहे हैं। और मैं आपको डिटेल बता देती हूँ, नाम है गीतांजलि और डेट ऑफ बर्थ है 30 मई 1986, उनका टाइम है 9:24 इवनिंग और प्लेस ऑफ बर्थ मुंबई महाराष्ट्र से हैं। पंडित जी का ये सवाल है कि इनकी बेटी मार्केटिंग में MBA की है, अच्छी नौकरी नहीं मिल पा रही है मनचाहा। दूसरा इनका ये सवाल है, देखिए हर पिता चाहते हैं कि उनकी बेटी की अच्छे घर में शादी हो, कब होगी और उपाय जानना चाह रहे हैं। देखो ऐसा है, सन 2006 से ही गीतांजलि का समय बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा है। सन 2006 से ही गीतांजलि के करियर में, पढ़ाई में, सेहत में, स्वास्थ्य में कुछ न कुछ समस्या हर समय बनी हुई है, क्योंकि शनि की दशा गीतांजलि की सन 2006 से शुरू हुई है और ये लंबा कालखंड हो गया इस लड़की को संघर्ष करते हुए।
और इसके नौकरी का जो अच्छा योग बनेगा वो 3 अक्टूबर 2025 के पहले मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। 3 अक्टूबर 2025 के बाद ही संतोषजनक नौकरी मिलेगी, उसके पहले तो बस काम चलाऊं किसी तरह से नौकरी मिलने के योग हैं। जहां तक विवाह की बात है तो इसका 38वां वर्ष शुरू हो चुका है, विवाह में इसके महाविलंब हो गया है और इसके पति भाव का स्वामी बुध अस्त है और बुध का अस्त होना और मंगल का लग्न में बैठ करके इसको लग्न मांगलिक बनाना इसके विवाह के लिए बहुत दोषी और घातक है। इस योग में प्रायः लोगों के विवाह नहीं भी होते हैं, तो ऐसे में आप उनके पिता हैं, आपको मैं बताना चाहता हूँ, विष्णु सहस्र नाम का 1100 पाठ 11 पंडितों द्वारा 5 दिन में कराइए और उस पूजा में आप गीतांजलि को बैठाइए और अंतिम दिन हवन तर्पण मार्जन करें, ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, जिससे उनके विवाह का योग बने और उनका गृहस्थ जीवन चल सके। जय माँ विंध्यवासिनी। तो हमारे एक दर्शक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चंद्रमोहन जुड़ चुके हैं अजमेर से। चंद्रमोहन अपने सवाल पूछिए। पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार पंडित जी, मेरी बेटी का नाम है सोनल, उसकी जन्म तारीख है 10 दिसंबर 1994, टाइम है सुबह का 8:40, वो अभी अमेरिका में जॉब कर रही है, उसका H1B वीजा का जो वर्क परमिट है ना उसका इशू है, लॉटरी में तीसरा साल और है, बस एक चांस और मिलेगा, तो उसका H1B वीजा का क्या रहेगा और उसकी शादी कब तक संभावना है? देखिए जहां तक मुझे लग रहा है वीजा तो उसे मिल ही जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, और मेरा जो मतलब कि कैलकुलेशन कहता है उसके आधार पर संचारशीलश चर्भे विलग्ने लग्नान सके छे उदाहरणती विदेश भाग्यम चर्भे तदीसे चरे तदीसे चरखे दृष्टि। तो कहने का मतलब जैसे वीजा उजा है तो ये तो ज्योतिष में नहीं आता है कि वीजा लगेगा कि नहीं लगेगा, लेकिन ये ज्योतिष में जरूर आता है कि इस व्यक्ति के बारे में जिसके बारे में प्रश्न हो रहा है ये विदेश में रहेगा कि स्वदेश में रहेगा। तो भाई इसका विदेश में रहने का योग बन रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये हम अपने मन से कह रहे हैं कि हाँ वीजा लग जाएगा, लेकिन सही बात यह है ज्योतिष नहीं कह रहा है, ज्योतिष ये कह रहा है कि विदेश में रहने का योग है। और जहाँ तक विवाह का प्रश्न है तो सोनल के विवाह भाव का स्वामी सूर्य है और शनि से षडाष्टक योग बना हुआ है, अभी विवाह में जहाँ तक मैं मानता हूँ 1 साल की देरी है, 2024 के अंत में या 25 के शुरुआत में इनका विवाह हो जाएगा, प्रेम विवाह होगा और अच्छा विवाह होगा। जय माँ विंध्यवासिनी। कुंभ और मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, क्या है इनका आज का शुभ उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, ये जानेंगे पंडित जी से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कालचक्र में। चलिए अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की, जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत है, बताएं पंडित जी। देखिए कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आत्मविश्वास से आपको धन लाभ होगा, ऑफिस के कार्यों में आप व्यस्त रहेंगे, परिवार का साथ आपको आगे बढ़ाएगा, मौसमी बीमारियों से खुद को आपको बचाना चाहिए, बेवजह किसी पर गुस्सा नहीं करना चाहिए, चिल्लाना नहीं चाहिए, बहते हुए जल में काले तिल प्रवाहित करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय माँ विंध्यवासिनी। तो आगे बढ़ते हैं और जान लेंगे मीन राशि वालों के लिए आज उनके लिए कितना भाग्य मजबूत है, बताएं पंडित जी। देखिए मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी बृहस्पति राहु के साथ धन भाव में विराजमान है, तो इसका तो सीधा एक मतलब मैं ये भी निकाल पा रहा हूं मंगल की दृष्टि के कारण कि आज धन लाभ होगा और बचत भी आपकी बढ़ेगी, लेकिन काम से जुड़ी यात्रा करनी पड़ सकती है। आपका खुशनुमा अंदाज नए रिश्ते बनाएगा, ज़्यादा काम काज तबीयत बिगाड़ सकता है, सोच समझ करके ही निवेश करें, चीटियों को आटा डालें। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय माँ विंध्यवासिनी। तो पंडित जी आज इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी और लगातार हमारे दर्शकों को आप पितर पक्ष में कितने सारे उपाय बता दिए, मुझे लगता है कुछ भी उपाय कर लें तो पितर पक्ष जिनके ऊपर
कृपा होगी वो बरस जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए लगातार हम आपको बहुत सारी जानकारी दे रहे हैं, उम्मीद करते हैं आज का भी हमारा विषय आपको बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हमारे साथ पंडित सुरेश पांडे जी। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए अनुमति, देश दुनिया की खबरों को आप देखते रहिए लगातार न्यूज 24 के साथ। नमस्कार।